हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म एनटीआर 30 की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है, पर ज्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि जूनियर एनटीआर की ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। इस साल यानी कि 2023 में जूनियर एनटीआर की कोई भी फिल्म नहीं आ रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई बहुत ही मुश्किल है कि इस साल जूनियर एनटीआर की कोई फिल्म रिलीज हो। तो अब अल्लू अर्जुन, यश और ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर भी उस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं जिनकी इस साल कोई भी फिल्म नहीं रिलीज होगी। वैसे रामचरण का भी मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि खबरों की माने तो आरसी 15 भी 2024 में ही रिलीज होगी। देखते हैं आरसी 15 की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। एनटीआर 30 को कोटला शिवा डायरेक्ट करेंगे और जूनियर एनटीआर फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। अब सोचो, जब एनटीआर 30 अप्रैल 2024 में रिलीज होगी तो भाई एनटीआर 31 कब रिलीज होगी? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहां तक मुझे लगता है एनटीआर 31 2025 एंड या फिर 2026 में ही रिलीज होगी, क्योंकि प्रशांत नील की फिल्म है तो भाई टाइम तो लगेगा ही। देखते हैं एनटीआर 31 की रिलीज डेट कब तक कन्फर्म होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही एनटीआर 31 की रिलीज डेट कन्फर्म हो आपको सबसे पहले पता चल जाए। कल ये खबर सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि आदि पुरुष अपने रिलीज डेट यानी कि 16 जून को ही रिलीज होगी। बीच में काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि आदि पुरुष के मेकर्स एक बार फिर से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करेंगे और अब ये फिल्म 2024 में संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी, लेकिन आदि पुरुष के मेकर्स ने कन्फर्म कर दिया है जी नहीं, ये फिल्म अपने तय समय यानी कि 16 जून को ही रिलीज होगी। तो प्रभास की बात करें तो 16 जून को आदि पुरुष रिलीज होगी, वहीं 28 सितंबर को सालार फिल्म रिलीज होगी। आप किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पठान फिल्म से जुड़ी कुछ बातें आप सबको जरूर जाननी चाहिए। पठान की एडवांस बुकिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 20 जनवरी से स्टार्ट होगी। गेटी गैलेक्सी जो बांद्रा में है उसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो फिल्मी फीवर के वीडियो में तो जरूर देखा होगा। जब से वो थिएटर स्टार्ट हुआ है यानी कि 1972 से अभी तक वो अपना पहला शो 12 बजे से स्टार्ट करते थे, लेकिन पठान का क्रेज इतना तगड़ा है कि गेटी गैलेक्सी का इतिहास बदलने वाला है। 51 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा जब गेटी गैलेक्सी में सुबह 9 बजे का शो स्टार्ट होगा। जी हाँ, 1000 सीट की कैपेसिटी वाली इस थिएटर में सुबह 9 बजे का शो स्टार्ट होगा। पठान का क्रेज इंडिया के साथ बाहर के देशों में भी काफी जबरदस्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाहर के देशों में पठान की एडवांस बुकिंग 14 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, और जब अपने यहाँ स्टार्ट होगी तो ये एडवांस बुकिंग किस लेवल पर होगी तो भाई इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरनेबाजी के लिए पठान तो आया। और भोला फिल्म से तब्बू का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर लीज किया गया है। यहाँ पर आप तब्बू को बिल्कुल अलग लुक में देख सकते हैं। भोला फिल्म में तब्बू एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। ये वही रोल होगा जिसे कैथी फिल्म में नारायण ने प्ले किया था। तो अजय देवगन की फिल्म का ट्रेलर 24 जनवरी को रिलीज होगा और ये फिल्म 30 मार्च को रिलीज होगी। आज रात या तो वो हमें ढूंढ लेगा या हम उसे। बंदूक की नौकरी दी है, गोली तो खानी पड़ेगी। अगर आप अक्षय कुमार के डाई हार्ड फैन हैं तो ये खबर सुनकर आपको काफी ज्यादा खुशी होगी कि अक्षय कुमार दोबारा से सूर्यवंशी के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, वीर सूर्यवंशी का करेक्टर पुलिस यूनिवर्स की अगली फिल्म सिंघम 3 में भी देखने को मिलेगा, और ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार भी नजर आएंगे। सिंघम 3 की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म इसी साल एंड या फिर 2024 के शुरू में रिलीज होगी। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जॉली एलएलबी का तीसरा पार्ट भी आने वाला है, तो खबरों की माने तो अक्षय कुमार और अरशद वारसी जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग दिसंबर के महीने में स्टार्ट करेंगे और ये फिल्म समर 2024 में रिलीज होगी। तो अगले साल जॉली एलएलबी का तीसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। फाइनली, काफी लंबे इंतजार के बाद महेश बाबू के अपकमिंग अनटाइटल फिल्म SSMB 28 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। SSMB 28 की शूटिंग आज से हैदराबाद के सराथी स्टूडियो में स्टार्ट होगी। फिल्म को त्रिविक्रम श्रीनिवास डायरेक्ट करेंगे और महेश बाबू के साथ पूजा हेगड़े अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। 11 अगस्त को कई बड़ी पैन इंडिया फिल्में भी आने वाली हैं। रणबीर कपूर के एनिमल और सनी पाजी की गदर 2 भी 11 अगस्त को ही रिलीज होगी। तो देखते हैं कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा हिट होती है।
कस्टडी फिल्म से कीर्ति शेट्टी का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप कीर्ति शेट्टी को देख सकते हैं। वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें नागा चैतन्या लीड रोल में नजर आएंगे। शूटिंग अभी चल रही है, लेकिन ये फिल्म 12 मई को रिलीज होगी। रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर में सुनील को भी साइन किया गया है। सुनील इस फिल्म में एक खास रोल में नजर आएंगे। जेलर फिल्म की कास्टिंग काफी जबरदस्त है। रजनीकांत, शिवा राजकुमार, सुनील और योगी बाबू अहम भूमिका में नजर आएंगे, वहीं मोहनलाल कैमियो रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होगी। थलापाड़ी 67 के प्रोड्यूसर ललित कुमार ने खुद कंफर्म किया है कि थलापाड़ी 67 की अपडेट 10 दिनों के अंदर अनाउंस होगी, यानी कि अगले हफ्ते थलापाड़ी 67 की अपडेट आने वाली है। खबरों की माने तो फिल्म का टाइटल या फिर रिलीज डेट अनाउंस होगी। थलापाड़ी 67 लोकेश कंगराज के यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है, जिसमें विजय लीड रोल में नजर आएंगे, और खबरों की माने तो संजय दत्त विलन के रोल में नजर आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। स्टार वॉर्स की आने वाली सीरीज द मैंडलोरियन सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है, और खुशी की बात यह है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने सीजन 3 का हिंदी ट्रेलर भी रिलीज किया है, तो ये सीरीज हिंदी डब में भी रिलीज होगी। पिछले दोनों सीजन हिंदी डब में नहीं आए थे, लेकिन पिछले दोनों सीजन और ये सीजन साथ में 1 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा। मैं मैंडलोर जा रहा हूं, ताकि मुझसे जो पाप हुआ है उसे मैं धो सकूं। अनिल कपूर और अदित रॉय कपूर की स्पाई थ्रिलर सीरीज द नाइट मैनेजर का ट्रेलर 20 जनवरी को रिलीज होगा। सीरीज की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलेगी। साथ ही ट्रेलर के साथ सीरीज की रिलीज डेट भी अनाउंस हो। डोंट एवर मिस्टेक मी फॉर अ मैन इन एन एक्सपेंसिव सूट। इस सूट के पीछे वाले आदमी से मुलाकात नहीं हो तो अच्छा। नेटफ्लिक्स ने कंफर्म कर दिया है कि स्वीट होम सीजन 2 इसी साल के एंड तक रिलीज होगी। स्वीट होम एक अपोकलिप्टिक हॉरर ड्रामा सीरीज थी, जो दिसंबर 2020 में रिलीज हुई थी, तब इसका दूसरा सीजन इसी साल के एंड तक देखने को मिलेगा। देखते हैं ऑफिशियल रिलीज डेट कब तक आती है। द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स कश्मीर फाइल्स को दोबारा से सिनेमाघरों में रिलीज करने वाले हैं। कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड डे यानी कि 19 जनवरी को ये फिल्म दोबारा से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वरिष्ठ फिल्म के मेकर्स ने कंफर्म किया है कि वरिष्ठ फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 210 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का बजट 280 करोड़ है, तो उस हिसाब से बहुत जल्द वरिष्ठ फिल्म अपने बजट के आसपास पहुंच जाएगी। देखना ये होगा कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। वहीं कुछ क्रिटिक्स की रिपोर्ट की माने तो अजित कुमार की फिल्म थुनिवु ने करीब 200 करोड़ का कलेक्शन किया है। थुनिवु का बजट 200 करोड़ है, तो उस हिसाब से थुनिवु फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट कवर कर लिया है। सही बताऊं तो मुझे साउथ फिल्मों के कलेक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। देखते हैं आगे क्या होता है। वरिष्ठ फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं किया है। अभी तक इस फिल्म ने करीब 5.5 करोड़ की कमाई की है, तो ज्यादा ज्यादा ये फिल्म 10 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाएगी। देखते हैं वरिष्ठ फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। वरिष्ठ के हिंदी डब को आप में से किस किस ने देखा है और ये फिल्म आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।